हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो ऐसी ग्रीनरी जो है ये हमारी अर्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता ही होगा कि आज जो है कोरोना वायरस और नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ही हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, पेड़ पौधे जो है सब लोग काट रहे हैं। तो इसको जो है हम सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, जितने हो सके उतने पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है, सिटी के आसपास जो है काफ़ी कम जगह होती है जहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है हमने मैंगो जो है उसके सीड्स या तो फिर आम की गुटलियाँ जो है उसको स्टोर करके, मतलब जो इकट्ठा करके रखा है, अप्रोक्सीमेटली 150-200 के आसपास ये आम की गुटलियाँ हैं। तो इसको जो हम प्लांटेशन करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी जो है दिक्कत होती है कि प्लांटेशन करना है तो कहाँ पर करें, क्योंकि ज़्यादातर जो शहरों के आसपास की ज़मीनें होती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और एक पेड़ होता है उसको आपको जो है एक से दो साल तक, जब तक वो अच्छे से बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको जो है संभाल के उसको ग्रो, मतलब उसका जो है ग्रोथ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो मेरी भी लाइफ में एक इच्छा है कि मैं भी जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ, जिससे कि जो है मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाए, एक अचीवमेंट भी हो जाए, और मतलब पूरी दुनिया को जो है ऑक्सीजन मिले और फ्रेश एयर मिले, पॉल्यूशन से मुक्ति मिले। तो यहाँ पे न्यारी डेम है राजकोट के अंदर, न्यारी डेम है, उसके आसपास में ऐसी जगह है जो कि सरकारी जगह है। तो यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं जो होती है एनजीओ, उन लोगों ने भी ट्री प्लांटेशन करके रखा है, और इसके पहले भी मैंने आम की गुटलियाँ जो है इसको प्लांट किया था, बट मुझे लगता है कि शायद किसी ने काट के उसको निकाल दिया है, या तो फिर जो बारिश होती है तो भेड़ बकरियाँ जो होती है, भैंसें गायें जो होती है वो यहाँ पे चरने के लिए आती है, खाने के लिए आती है, तो वो उन लोगों ने भी शायद खा लिया हो। तो फिर से मैं एक बार ये 2020 जो है जून 2020 के अंदर इस पर फिर से ट्राई कर रहा हूँ 200 के आसपास आम की गुटलियाँ प्लांट करने के लिए। साथ ही साथ जो है अरीठा जो होता है उसके भी बीज है मेरे पास, तो उसको भी हम प्लांट करेंगे और देखेंगे कि अभी जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के अंदर जब जितनी बारिश होती है उतने में ये प्लांट जो है ग्रो कर जाता है कि नहीं कर जाता है, अपने आप ही उसको ग्रो करना होगा। मैं मे बी फ्यूचर में शायद उसको पानी देने के लिए आ पाऊँगा, बट ये ऐसी जगह है जिसके अंदर ज़मीन में जो है काफ़ी नमी रहती है, तो मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 महीने इसको मिल जाएंगे अच्छे खासे पानी के साथ। और अगर ये इतने में से आधे भी जो है आम के पेड़ उग गए तो यहाँ पे सबको फ्री में जो है आम खाने को मिलेंगे राजकोट के अंदर, क्योंकि ये जो है पिकनिक प्लेस है। तो चलिए यहाँ पे अब हम शुरू कर देते हैं आम का प्लांटेशन करना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है दरारें हैं ये ज़मीन में, तो हमने क्या किया है कि खड्डा खोदना जो है थोड़ी सी हार्ड ज़मीन है तो मुश्किल है, इसलिए यही दरारें जो है उसके अंदर हमने आम की गुटलियाँ जो है वो डाल दी है। अब थोड़ी देर के अंदर जो है हम अरीठा जो होता है उसकी बीज को भी इसी तरीके से प्लांट कर देंगे। वैसे सही तरीका नहीं है, बट देखते हैं क्या किया जा सकता है और कितने पेड़ जो है इसमें उगते हैं। तो यहाँ पे राजकोट के अंदर एक एनजीओ है जो कि इस तरीके के पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं रोड के बीच का जो पार्ट होता है वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करते हैं, पर यहाँ पे इसका एक भी पेड़ जो है उगा नहीं है। तो यहाँ पे इसका क्या रीज़न है वो भी समझना पड़ेगा, शायद ये ज़मीन में कोई दिक्कत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इन्होंने पेड़ उगाने की कोशिश की है, बट एक भी पेड़ जो है इसके अंदर उगा नहीं है। तो मे बी जो है हम देखते हैं हमारे पेड़ कितने उग पाते हैं, कि ये लोग तो यहाँ पे पानी देने के लिए भी आते थे एक आध साल के लिए, एक आध साल तक, एक या दो साल तक, फिर भी एक भी उसमें ट्री जो है वो उगा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अरीठा जो होता है जो कि शैम्पू की तरह हम जनरली यूज़ करते हैं बालों को काला करने के लिए, बालों का जो है ग्रोथ बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सीड्स हैं हमारे पास, तो इसको भी जो है हम प्लांट कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये पेड़ जो है उग जाते हैं तो आप जो है अगर राजकोट में रहते हैं न्यारी डेम पे आके जो है इसके जो मतलब बीज जो है, मतलब अरीठा जो होता है पूरा बीज तो नहीं, उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको आप यहाँ से पा सकते हैं मतलब 4-5 साल के बाद जब ये पेड़ बड़ा हो जाए। तो चलिए इसको जो है हम प्लांट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी दरारें हैं ज़मीन के अंदर, तो इसके अंदर ही जो है हम अरीठा जो है उसके बीज को डाल के उसको प्लांट कर देंगे। वैसे ये भी एक्चुअल में सही मेथड नहीं है, बट फिर भी जो है अभी थोड़ा सा हमारी एफर्ट जो है वो कम हो जाए इसके लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये जो हमारा इनिशिएटिव है पेड़ लगाने का, इसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारी पृथ्वी को जो है उसको फिर से जो है स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप भी जो है ऐसे पब्लिक प्लेसेस जो है जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पे जाके जो है आप ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर अभी जो है गर्मी का मौसम है तो अगर आपके पास आम के बीज पड़े हैं तो उसको भी आप प्लांट कर सकते हैं। आप जो भी हो मतलब बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं ऐसे, जैसे कि नीम के बीज जो होते हैं उसको भी आप प्लांट कर सकते हैं।
तो वो इजीली जो है उग भी जाते हैं और इसमें सीड्स भी जो है काफ़ी लगते हैं। और अदरवाइज़ जो है यहाँ पे मैं क्राउड फंडिंग कैंपेन जो है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर जो है हम क्या करेंगे कि जो भी पैसा जनरेट होगा उससे हम पेड़ जो है रेडीमेड पेड़ आते हैं जो कि 2 साल के आसपास जो है लंबे होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, उसको परचेज़ करके जो कि सस्ते होते हैं, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 50-100 रुपये के आसपास के होते हैं, तो उसको हम उसको ही डायरेक्टली प्लांट करेंगे और जिससे कि जो है उसके उगने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। और अभी जो है हम रिसर्च भी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है शहरों के आसपास गांव के आसपास ज़मीनें जो है फ्री ज़मीन पड़ी है, मतलब कि सरकारी ज़मीन है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पे भी इसको हम उगा सकते हैं। ऐसी ज़मीनों को सर्च करना भी हमारा एक टारगेट है। और अगर आप ऐसी ज़मीनों के बारे में कुछ जानते हैं कि जहाँ पे इस तरीके के पेड़ जो है उगाए जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अदरवाइज़ क्राउड फंडिंग कैंपेन के अंदर आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप खुद जाकर जो है ट्री प्लांटेशन करिए, उससे बढ़िया कोई नहीं है चीज़। और जो भी पेड़ आप लगाते हैं उसको अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक जो है पानी उसको दीजिए, जिससे कि वो अच्छे से बड़ा हो जाए और उसके बाद वो खुद से ही जो है बड़ा होना शुरू हो जाए। उसके अलावा एक और भी कंसेप्ट है जिसको मल्टी लेयर फॉरेस्टेशन कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है उसके बीच में काफ़ी जगह है, और यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारी जगह पड़ी है, तो इतनी ही जगह में आप जो है 10,000 के ऊपर जो है पेड़ लगा सकते हैं। इसको मल्टी लेयर फॉरेस्टेशन कहते हैं। उसको कैसे करना है उसका एक ओपन सोर्स लर्निंग रिसोर्स अवेलेबल है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो कंसेप्ट है मल्टी लेयर फॉरेस्टेशन का, वो जापान के एक जो है बॉटनिस्ट जो है उन्होंने डिज़ाइन किया है, उन्होंने खोज के रखा है, और उसके पास से ट्रेनिंग लेके बहुत सारे लोग जो है आज इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट भी कराते हैं, जो कि एक पेड मेथड है। बट उनकी वेबसाइट में उन्होंने ओपन सोर्स प्रोसेस भी वहाँ पे रख दिया है, जिससे कि आप जो है उसको सीख के आप भी इस तरीके की पब्लिक प्लेस में इवेंट्स करवा के जो है मल्टी लेयर फॉरेस्टेशन करवा सकते हैं। मैं भी करवाऊंगा, जो भी इससे मनी जनरेट होता है क्राउड फंडिंग कैंपेन से, उससे हम इस तरीके का मल्टी लेयर फॉरेस्टेशन भी करवाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप इसको जो है मतलब कोशिश करेंगे ये चीज़ को करने के लिए, और हमारी पृथ्वी जो है फिर से हरी भरी हो जाएगी। सो थैंक यू एंड गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, स्टे हेल्दी।